हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। टुडे वी विल डिस्कस द लेसन दैट नेम इज अ गेम ऑफ चांस। देखिए, आज का जो हमारा लेसन है वो है गेम ऑफ चांस। तो इसको हाईलाइट कर देता हूँ। Have you ever won anything in the lucky dip or other such game of chance? Do you like such games? देखिए, क्या आपने कभी सौभाग्य की डुबकी या किसी और संयोग के खेल में कुछ जीता है? क्या तुम्हें ऐसे खेल अच्छे लगते हैं? इसमें देखते हैं क्या लिखा है, उसको हाईलाइट कर देता हूँ। A game of chance. Every year on the occasion of Eid, there was a fair in our village. मतलब प्रत्येक वर्ष ईद के अवसर पर क्या है, हमारे गांव में एक मेला लगता है, ठीक है। It was celebrated only one day, but fair lasted many days. ईद तो एक दिन के लिए रहती है, किंतु मेला कई दिन तक चलता रहता है। Tradesmen from far and wide came there with the kinds of goods. जो ट्रेडमैन हैं ना, दूर दूर से आते हैं अपने सामानों के साथ, सामान बेचने के लिए। अब आगे देखते हैं क्या जो लिखा है, उसमें देख सकते हैं मेले का चित्र दिखाया गया है। बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं उसको, किस तरह मेले में लोग खरीदारी कर रहे हैं या गेम्स खेल रहे हैं टू सेल, बेचने के लिए। बट सॉरी, यू कुड नॉट बाई एनी थिंग्स फ्रॉम अ स्मॉल पिन टू बिगा बैफिलो। ठीक है, तुम जो है ना, एक पिन से बैफिलो तक खरीद सकते हैं, भैंस तक खरीद सकते हैं, कुछ भी खरीद सकते हैं। मतलब ये हो, इसका पिन भी खरीद सकते हैं और भैंस भी खरीद सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे देखते हैं क्या लिखा है, तो मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। अंकल टुक मी टू द फेयर। अंकल कहाँ ले गए, जो चाचा थे मुझे कहाँ ले गए, मेले में ले गए। भैया हु वर्कड फॉर अस एट होम। भैया जो मतलब काम करते थे मतलब हमारे घर पर, केम विद अस, वे भी हमारे साथ गए। देर वॉज ए बिग क्राउड एट द फेयर, बहुत सारी भीड़ थी मेले में। अंकल वॉज लीडिंग अस थ्रू द करोड। अंकल अस लीडिंग अस, भीड़ में ले जा रहे थे अंकल। वैन आई मीट अ फ्यू ऑफ, जब मैं दूसरे मित्रों से मिला तो चाचा भी मतलब हमें लीड कर रहे थे। दे वॉन्टेड हिम टू स्पेंड कम टू टाइम विद हेम, मतलब मेरे मित्र क्या है कि वे समय बिताना चाहते थे हमारे साथ। अंकल आस्क मी वेदर आई वुड लाइक टू लुक अराउंड द फेयर विद भैया टिल ही केम बैक। आई वॉज हैप्पी टू दैट। अंकल देखिए आगे क्या लिखा है, मतलब अब ये क्या कहना चाह रहा है। अंकल आस्क मी वेदर, चाचा ने मुझसे पूछा क्या कि आई वुड लाइक टू अराउंड, कि यदि मैं जब तक वापस ना लौटूँ तब तक क्या है भैया के साथ जो है घूमना पसंद करूँगा, ऐसे कहा। ठीक है, चाचा ने मुझसे पूछा कि यदि मैं वापस नहीं लौटते हैं, मतलब जब तक वे वापस नहीं लौटते हैं तब तक भैया के साथ मेले में घूमना पसंद करूँगा। वो जप्पी टूडू, मतलब मैं क्या कि ऐसा करने में खुश था, मैं क्या ऐसा करने में खुश था। देखिए क्या कहना चाह रहे हैं, आई वॉज हैप्पी टू डू, मैं ऐसा करने में खुश था। अंकल वॉन्टेड मी नाइदर टू बाई अनदर एनी थिंग्स नॉट टू गो फॉर आउट वाइल ही वॉज अवे। उसने कहा जब तक मैं यहाँ से दूर हूँ ना तुम्हारे से, कुछ मत खरीदना वाला तुम यहाँ से, ठीक है। ही प्रोमिस्ड, आई प्रोमिस्ड दैट आई वुड वेट फॉर हिम, मैंने वादा भी किया कि मैं उसका प्रतीक्षा करूँगा। फिर भैया एंड आई वॉन्टेड फ्रॉम द शॉप टू शॉप, भैया और मैं क्या है मतलब हम एक दुकान मतलब इधर उधर दुकानों पर घूमे, एक दुकान से दूसरी दुकान तक। देर वर मैनी थिंग्स आई वुड हैव लाइक टू बाई, बहुत सारी चीज़ें थी मतलब जो मैं खरीदना चाहता था, बट आई वेटेड फॉर द अंकल टू रिटर्न, किंतु मैंने क्या कि चाचा का वो किया, प्रतीक्षा किया लौटने के लिए। देन वी कम टू व्हाट वाज कॉल्ड द लक्की शॉप, तब हम उस दुकान पर गए जिसको लक्की शॉप कहते थे। द
द शॉपकीपर वॉज नाइदर यंग नोर ओल्ड। शॉपकीपर नहीं तो बहुत ज़्यादा बूढ़ा था ना यंग था। ही वॉज मिडिल एजड, वो मिडिल एज का था मतलब बीच के एज का। ही सीम नाइदर टू स्मार्ट नो लेजी नोट टू लेजी, नहीं तो वो स्मार्ट दिखा देता था नहीं बहुत ज़्यादा लेजी। ही वॉन्टेड एवरीबॉडी टू ट्राई इट देयर, वो चाहता था कि प्रत्येक आदमी जो अपने भाग्य को अजमाए। देर वॉज डाइसिस ऑन द टेबल्स विद नंबर फ्रॉम, एक टेबल पर क्या है कि वे थे डाइसिस रखी थी जिस पे नंबर लिखे थे 1 to 10, 1 से 10 तक, फेसिंग डाउन उनके सामने। ऑल द ऑल यू हैव टू डू वॉज टू पे, मतलब सभी के लिए तुम्हें क्या 50 पैसे पे करना था। पिकअप एनी 6 डाइस, और तुम्हें 6 कोई सी मतलब कोई भी 6 डाइस जो है पिकअप करनी थी उठानी थी। एड अप द नंबर ऑन द अदर डिस्क एंड फाइंड द टोटल, ठीक है वो देखिए क्या। और आपको जो है ना 50 पैसे देने थे और कोई भी 6 तस्तरियाँ जो उठानी थी, और तस्तरियों पर संख्या को जोड़ना था और योग का पता करना था जो वस्तु, ठीक है योग का पता करना था। द आर्टिकल मार्क्ड विद दैट नंबर वॉज योर, ठीक है मतलब जो वस्तु की संख्या चिन्हित थी वही आपको मिल जाती थी। एन ओल्ड मैन पेड 50 पैसे एंड सिलेक्टेड 6 टीस, एक आदमी ने क्या है देखिए, एक आदमी ने क्या कर दिया, एंड ओल्ड मैन पेड 50 पैसे एंड सिलेक्टेड 6 टीस, ये बूढ़े आदमी ने 50 पैसे चुकाए और 6 तस्तरियाँ चुन ली, 50 पैसे चुका करके 6 तस्तरियाँ चुन ली। ही एडिड अप द नंबर ऑन देम एंड फाउंड टोटल 15, ही वॉज गिवन आर्टिकल मार्केट, देखिए उसको जो है ना उसने उन पर संख्याओं का योग किया और 15 का योग पाया और उसको 15 पर चिन्हित वस्तु दे दी गई, ठीक है। अब देखिए आगे, विच वॉज ब्यूटीफुल क्लॉक, जो क्या था दे दी गई, जो क्या था सुंदर जो है क्लॉक था, ठीक है जो कि सुंदर दीवार घड़ी थी मतलब। अब आगे देखते हैं, बट द ओल्ड मैन डिड नॉट वॉन्ट टू क्लॉक, बुढ़ा आदमी क्लॉक नहीं चाहता था। द शॉपकीपर ओब्लाइज्ड हिम बाई बाइंग इट एंड बैक टू 50 रुपीज, देखें लेकिन बुढ़ा आदमी दीवार नहीं चाहता था, दुकानदार ने उसको 15 रुपये में इसे वापस खरीद कर उसको अनुग्रहित किया है ना। द ओल्ड मैन वेंट अवे वेरी पीस, बूढ़ा आदमी चला गया खुश होता है मतलब। अब देखिए यहाँ आगे क्या करना चाह रहा, देन अ बॉय अ लिटिल ओल्डर देन आई ट्राइड हिज लक, ठीक है फिर एक बालक ने जो मुझसे थोड़ा सा बड़ा था अपना भाग्य अजमाया। ही गॉट ए कॉम्ब वर्थ 25 पैसे, उसने क्या किया उसने कंघा 25 पैसे में खरीद लिया। द शॉपकीपर लुक नाइदर हैप्पी नॉर सैड, शॉपकीपर नहीं तो ज़्यादा दुखी दिखाई दे रहा था और नहीं ज़्यादा वो खुश था। ही बॉट द कॉम्ब फ्रॉम द बॉय, उसने 25 पैसे में खरीद लिया वो कंघा जो शॉपकीपर ने। द बॉय ट्राइड हिज लक 3 रुपीज, लड़के ने 3 रुपये में अपना जो है लक अजमाया। देन ही ट्राइड थर्ड टाइम, उसने कोशिश किया 3 बार एंड गोट रिस्ट वॉच, और रिस्ट वॉच उसने 25 पैसे में प्राप्त कर ली। वैन ही ट्राइड अगेन ही गोट द टेबल लैम्प, जब उसने दोबारा कोशिश किया तो टेबल लैम्प आया वो देन जिसकी 10 रुपये कीमत थी। द बॉय वॉज हैप्पी, खुश था। एंड वेंट अवे विद स्माइल, खुश होकर घर चला गया अपना। एंड गुड डील कॉफ केस, ठीक है काफ़ी नकद पैसा लेकर वो चला गया। अब यहाँ से देखते हैं, आई वॉन्ट टू ट्राई माई लक टू, मतलब मैं भी अपना भाग्य को अजमाना चाहता था। आई लुकड एट भैया, मैंने भैया को देखा। ही एनकरेज, उसने मुझे एनकरेज किया, मतलब एनकरेज के मीन्स होता है मतलब साहस दिया थे मुझे, उसने मुझे क्या साहस बढ़ाया मेरा भैया ने। आई पेड 50 पैसे एंड टुक 6 डिश, 50 पैसे दे 6 डाइस उठा ली, ठीक है। अब देखिए, माई लक वॉज नॉट गुड, मेरा जो भाग्य वो अच्छा नहीं था, मेरा भाग्य क्या अच्छा नहीं था। आई गोट 2 पेंसिल, मैंने 2 पेंसिलें प्राप्त की। द शॉपकीपर ब्रॉट देम फ्रॉम, शॉपकीपर ने 25 पैसे में खरीद लिया। आई ट्राइड अगेन, मैंने पूरा कोशिश किया। दिस टाइम्स आई गोट टेबल लैम्प, मैंने क्या गोट अ बोटल ऑफ इंक, मैंने एक बोटल की इंक प्राप्त की। ऑल्सो लिटिल वैल्यू, जिसकी बहुत ही कम कीमत थी। द शॉपकीपर ब्रॉट दैट टू, शॉपकीपर ने उसको 25 पैसे में खरीद लिया। आई टुक द चांस फॉर द थर्ड टाइम, मैंने तीसरी बार चांस लिया। स्टिल लक वॉज नॉट
विद मी, इस बार भी भाग्य मेरे साथ नहीं था। अब देखिए आगे क्या है। आई हैड होप ऑफ विनिंग अ बिग प्राइज। देखिए मुझे विनिंग अ बिग प्राइज, मुझे आशा थी कि मुझे बिग प्राइज जीत लूँगा मैं, विनिंग में जीत लूँ। एंड कंटिन्यू टू ट्राई माई लक अगेन एंड अगेन पेइंग 50 पैसे। मैंने प्रत्येक बार 50 पैसे दिए और अपने भाग्य को आजमाता रहा, बट एवरी टाइम्स आई गोट ट्रिफिल। ठीक है, मैं अपने भाग्य को आजमाता रहा और 50 पैसे देकर, किंतु हर बार मुझे कम मूल्य की वस्तु मिली। ट्रिफिल जो वर्ड आ रहा ना, इसका मैं सोचता है कम मूल्य की वस्तु। एट लास्ट आई वॉज लेफ्ट विद ओनली 50 पैसे। अंत में मेरे पास 50 पैसे बचे। अगेन द शॉपकीपर शोड हिज काइंडनेस। शॉपकीपर ने फिर दया दिखाई, काइंडनेस में दया दिखाई। ही सैड आई कुड आइदर प्ले आइदर प्ले। देखिए ये देख सकते हैं जो खेल रहे हैं, ये दिखा सकते हैं खेल को, किस तरह खेल रहे हैं। मोर वर्स देन 50 पैसे द सेटल द अकाउंट देन एंड देयर। देखिए क्या है, मतलब वह बोला या तो 25 पैसे लगाकर एक दांव और खेल लो, अथवा हिसाब किताब हाथों हाथ बराबर कर लो। ठीक है, आई प्लेड अगेन एट लास्ट 50 पैसे और पैसे ऑल्सो डिसअपेयर। अगर मैंने पुनः खेला और वे अंतिम 25 पैसे भी गायब हो गए। डिसअपेयर मीन्स गायब हो जाए, ये डिसअपेयर मीन्स क्या होता है, गायब हो जाए। तो देखिए मैं क्या कर सकता हूँ। जब पीपल वर लुकिंग एट मी, लोग मुझे देख रहे थे। पीपल वर लुकिंग एट मी, लोग मुझे देख रहे थे। सम वर लाफिंग एट माई बैड लक, कुछ मेरे बैड लक पर हंस रहे थे। बट नन सो एनी सिंपैथी, किसी ने भी सिंपैथी नहीं दिखाई। भैया एंड आई वेंट टू द प्लेस वेयर अंकल हैड लेफ्ट अस। मैं और भैया वहाँ चले गए जहाँ अंकल हमें छोड़ के गए थे। एंड वेटेड फॉर हिम, और हमने उनका इंतजार करना शुरू कर दिया जब तक वे लौटते नहीं। अर्जेंटली ही केम, ठीक है, जल्दी भी आ गए। अर्जेंटली भाई के मैंने जल्दी भी आ गए। ही लुकड एट मी, उसने मुझे देखा और कहा, क्या राशिद यू लुक अपसेट, तुम अपसेट दिखाई देते हो। व्हाट द मैटर, क्या बात है। आई नॉट से एनीथिंग, मैंने कुछ नहीं बताया। भैया टोल्ड हिम व्हाट हैड हैपेंड, भैया ने सब बता दिया जो घटित हुआ था। अंकल वॉज नाइदर एंग्री नॉट सैड, अंकल नहीं तो दुखी था नहीं वो खुश था, नहीं क्रोधित हुआ मतलब। ही स्माइल, वो मुस्कुराया एंड पेटेड मी, पेटेड मी थपथप रहा, और उसने मेरी पीठ थपथप आई। ही टुक मी टू द शॉप एंड ब्रॉट मी आ, वो मुझे दुकान पर ले गया, ब्रॉट मी अ ब्यूटीफुल अम्ब्रेला, और उसने मुझे अम्ब्रेला खरीद कर दिया, मतलब सुंदर। बिस्किट दिए और स्वीट दिए एंड सम अदर लिटिल गिफ्ट दिए, और कुछ छोटे गिफ्ट दिए। देन वी रिटर्न होम, तब हम घर लौट आए। तब हम क्या घर लौट आए। अब देखिए आगे, बैक होम, घर लौट कर गया ना। अंकल टोर्नमेंट करने मुझे बताया, दैट वॉज लक्की सोप मैन हैड मेड अ फूल ऑफ मी, कि उस लक्की सोप ने मुझे बेवकूफ़ बनाया है, ऐसे बताया। नो अंकल आई सेड, मैंने कहा नहीं अंकल उसने बेवकूफ़ नहीं हुआ, इट वॉज जस्ट माई बैड लक, ये केवल मेरा बैड लक था। नो माई बॉय, मेरे लड़के ऐसे नहीं, मेरे बच्चे ऐसा नहीं है, अंकल ने कहा। अंकल सैड में, अंकल ने कहा, इट वॉज नाइदर गुड लक और नॉट बैड, ये अच्छे और बैड लक की बात नहीं है, ठीक है, उसने तुम्हारा बेवकूफ़ बना दिया, ऐसे कहा। अब देखिए आगे क्या करना चाहते हैं। बट अंकल आई सेड, मैंने कहा, बट अंकल आई सा एन ओल्ड मैन गेटिंग अ क्लोक, मैंने देखा एक बूढ़ा आदमी क्लोक ले गया, एंड बॉय गेटिंग अ टू थ्री कॉस्टली थिंग, और लड़का भी थ्री कॉस्टली थिंग ले गया। यू डोंट नो चाइल्ड, तुम नहीं जानते हो बच्चे। अंकल सेड, अंकल ने कहा, देवर ऑल फ्रेंड्स ऑफ द शॉपकीपर, वे सभी शॉपकीपर के मित्र होते हैं जो ले गए, ऐसे कहा। देवर प्लेइंग ट्रिक्स टू अटेम्प यू टू योर लक, ठीक है, उसने कहा कि वे क्या है, वे तो उसके दोस्त थे, दुकानदार के मित्र थे, वे अपना भाग्य जमाने के लिए, ललचाने के लिए चालाकी से खेल रहे थे, ऐसे मतलब ललचाने के लिए क्या है, चालाकी खेल रहे थे। दे वॉन्टेड योर मनी एंड दे गोट इट, वे तुम्हारा धन चाहते थे और उन्होंने इसको प्राप्त भी कर लिया। नो फॉरगेट अबाउट इट, अब इसके बारे में भूल जाओ। एंड डोंट टेल एनीबडी, किसी व्यक्ति को मत बताओ बैलक के बारे में और योर अपनी मूर्खता के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।